जनता की अपेक्षा पे खरा नहीं उतरे और जनता की भावना को देखते हुए जनता की अपेक्षा पे हमने नई पार्टी बनाया भारतीय नव क्रांति पार्टी, ताकि जनता की अपेक्षा पे 101% खरी उतरे, समाज के सभी वर्गों को लेके चले, महापुरुषों का सम्मान हो, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा हो, सब भय भूख भ्रष्टाचार समाप्त हो, हर हाथ को काम हर पेट को रोटी मिल सके और सबको न्याय उत्तम शिक्षा चिकित्सा या व्यवस्था हो सके, इसके लिए जो है हमारे ये मुद्दे हैं। हम लोकसभा तो ऐसे हमारी पार्टी कई प्रांतों में है, यूपी दिल्ली उत्तराखंड झारखंड बिहार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरियाणा, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारे कैंडिडेट एमएलए वाला 2023 का चुनाव होगा उसमें लड़ेंगे, बकिया लोकसभा हम 10 प्रांत में। मैं राजेंद्र प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष भारतीय नव क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश। आज की जो बैठक हमारी हो रही 2/7/2023 को, इस बैठक की मुख्य भूमिका 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के, प्लस पार्टी संगठन विस्तार को लेकर के, और इसमें ये देख जो महंगाई भत्ता है इस समय हो रहा है, बेरोजगारी लोगों के साथ, और जो सरकार इस समय अपनी तानाशाही की गवर्नमेंट चला रही है, इसको लेकर के कि धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, किसी मुद्दे पे बोल नहीं सकते, कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, यहाँ तक कि जो आउटसोर्सिंग से सेवा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से विभागों में लगे हुए कर्मचारियों के साथ जो दुरुपयोग हो रहा है, उनका कोई लाइफ नहीं है, इन सारे मुद्दों में लेकर के ये चर्चा भारतीय नव क्रांति पार्टी करना चाह रही थी। किन किन बिंदुओं को लेकर की मांग है आपकी? हमारी मांग शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर के हमारी भारतीय नव क्रांति पार्टी की मांग है कि इन मुद्दों को जो है सरकार अहम भूमिका पिलाए, जो बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और शिक्षा भी अच्छे स्तर की दी जाए। यदि मान लो कोई आदमी के पास पैसा अच्छा है तो वो अच्छे विद्यालय में पढ़ा पाता है, यदि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो वो किस विद्यालय में पढ़ाए, उसके लिए प्राइमरी विद्यालय तो खोल रखा है लेकिन प्राइमरी विद्यालय में जो है शिक्षा नहीं होती है, वहाँ तो भोजन पानी की व्यवस्था है, खाना खाइए और आराम से चुपचाप घर भाग जाइए, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बच्चों का फ्यूचर एक प्रकार से अंधेरे में जा रहा है। कुल मिला करके एक नाम होता है कि गवर्नमेंट जो है एक विद्यालय चला करके बच्चों को शिक्षा दे रही है, शिक्षा नहीं दे रही है, वो एक उस कगार पे उतार के खड़ा कर रहे हैं कि वो पढ़ने के लायक आगे पढ़ने के लायक ही ना रहे। अदरवाइज